क्या नाम भाई आपका? ओम स्वामी जी। ओम भाई। स्वामी जी नरेश कौशिक, मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से। जी भाई। स्वामी जी, हमारे खानदानी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम थी, माँ को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। एक ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा असाध्य रोग है धरती का। नरेश कौशिक जी भाई। स्वामी जी, जैसे सामने आदमी खड़ा है 5 फुट 2, तो केवल नाक दिखाई दे रहा है, तो 2-3 फीट तक दिखता था जी। लेकिन मेरी बेटी और मेरी मिसिज दोनों आई हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप चलो एक बार। मैंने पिछले 1.5 साल से लगातार किया और मेरा 50% से ज्यादा विजन एनलार्ज हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी भाई, जोरदार तालियां हो जाए भाई नरेश कौशिक। और सबसे बड़ी बात, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जेनेटिक था, जेनेटिक, ये हमारी जन्मभूमि के पड़ोस से आया हुआ है। स्वामी जी, मैं तो परिवार का सदस्य हूँ, मैं तो स्वामी बाबू जी ने मेरे को भेजा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है स्वामी जी की, बड़े भाई हैं, दो वकील हैं, उन दोनों को प्रॉब्लम यही है। एक भाई तो बिल्कुल डेड हो गया, एक की पूरी डेड हो गई। पूरे घर में जी 5-6 लोगों को था। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह कि बीच में आपने 2-2.5 साल पहले एक बार बोला था कि बड़ी मुश्किल बीमारी है, लेकिन पिछले 6 महीने पहले आपने दोबारा बोला कि ये नशे जो खुल जाती हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि मैं जब लगातार करता रहा तो मेरा विजन एनलार्ज हुआ है स्वामी जी। ये भाई बड़ी बात कह दी। अब ऐसे रास्ते मिलते हैं लेकिन लंबा समय लगता है। लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन किया, बोले 1-2 दिन, अरे 1-2 दिन में ना होगा भाई, जड़ इतनी गहरी है इसकी है? ये पूरे परिवार के लोग आ गए, सारे कुनबे को करवाना। और ये रिसर्च तेरे परिवार में करते हैं सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारी माँ को था, तुमको है, और तुम्हारे बच्चों को भी होने की संभावना है इसकी। स्वामी जी 20 साल पहले मैंने एक स्लोगन लिखा था सिर्फ आपके ऊपर ही, कि बढ़ रहा संसार सारा, बढ़ रहा संसार सारा, भोग से योग की ओर आप भी कदम बढ़ाइए इस दिव्य प्रयोग की ओर। हाँ, बढ़ रहा संसार सारा, योग की प्रयोग की ओर आप भी 2 कदम बढ़ाओ। अब ये सुन भाई नरेश, तेरे को पूरा अभी तो 50% विजन ठीक किया, 100 कर तू और अपने औलादों को करा, ये इतिहास बना के दिखा। अभी तक मैं पूरा नहीं बोलता हूं, इसको बोलने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आज जो मैं यहां से बोलता हूं ना, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये इस देश की मेहनत है कि मेरी बात मानी। मैंने कहा कि तुम एक साल करो, मैं कहता हूं 9 महीना अनुलोम विलोम पूरा कर लो भाई, विजन खत्म होने से अच्छा है ना कर ले, और आई ग्रेड देना सारे परिवार को। स्वामी जी एक चीज बताऊं, और अपने दूसरे भाइयों को भी आई ग्रेड देना, उनको अक्षय तर्पण कराना, उनको आंवले की बस्ती भी, ये जो आंवले की एनिमा देते हैं ना आंवले का सप्तामृत लोह के साथ, वो आई ग्रेड बस्ती भी सीख के जाना यहां से, ये सारी चीजें करवाना। स्वामी जी कंसेप्ट क्या था, 20 साल पहले मेरे भाई, सबसे बड़े भाई जिनकी डेथ हो चुकी, उनको आरपी था बहुत ज्यादा, तो उन्होंने बताया नरेश अगर मैं समय रहते चौक जाता, चेत जाता, तो रशिया में इलाज है इसका, क्योंकि बोला इसे नशे सूख जाती हैं। फिर मेरे को एक कॉन्फ्रेंस थी माउंट आबू में, उसमें बताया, बोला पीछे कैमरा लगेगा, उससे ये नहीं पता लगा क्या दिखेगा, लेकिन कुछ काम होगा। लेकिन ये तमाम चीजें आदमी को निराशा की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जब आपने बताया कि नहीं ये नशे खुलती है, पहले मैं भी कहता था कि नशे बहुत अगर अर्ली स्टेज में पता लगे तो ठीक हो सकता है, लेकिन स्वामी जी आपके प्रेरणा से ये अर्ली स्टेज नहीं स्वामी जी, वो कहते जब आंखें खुले तभी सवेरा समझो, एडवांस स्टेज में भी इसने ठीक कर लिया, ये तो बड़ी बात करके दिखा दी। चलो बहुत आशीर्वाद।